To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम, आज के वीडियो में हम लोग कबीर दास जी की जो साखियां हैं और शब्द है उसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर पारा पारी जानेंगे, बारी बारी से जानेंगे। प्रश्न संख्या एक है, मान सरोवर से कवि का क्या आशय है। तो मान सरोवर से कवि ने यहां दो आशय प्रकट किया है। एक है मान सरोवर झील, कैलाश मान सरोवर झील, जिसमें हंस विचरण करते हैं और वहां से कहीं जाना नहीं चाहते हैं। दूसरा आशय है कि हमारे शरीर रूपी सुंदर मंदिर में पवित्र मन निवास करता है। दूसरा प्रश्न है, भैया बहन, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। तो कबीर दास जी ने बतलाया है कि जो सज्जन होते हैं उन्हीं को सज्जन मित्र मिलते हैं, जो ईश्वर भक्त होते हैं उन्हीं को ईश्वर भक्त मिलते हैं, और जब ऐसे अच्छे मित्र मिलते हैं तो हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं वो अच्छाइयों में बदल जाती है, हमारे अंदर के जो दुर्गुण हैं वो सद्गुण में बदल जाते हैं, हमारे अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है वह सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है, और हमारे अंदर की जो मलिनता है, जो पाप है, वो पुण्य में बदल जाते हैं। तीसरा प्रश्न है कि तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बतला दूं, तीसरा दोहा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डाली, स्वान रूप संसार है भूकन दे छक मारी। इसमें कवि ने सहज समाधि के बल पर जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो ज्ञान हमें अनुभव के बल पर प्राप्त होता है, आप कह सकते हैं कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो आत्म ज्ञान है, उसके महत्व पर कबीर दास जी ने प्रकाश डाला है, उसको महत्वपूर्ण बतलाया है। चौथा प्रश्न है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। तो जो इंसान जाति पाति छुआछूत ऊंच नीच की भावना से ऊपर है, जो धर्म की भावना से ऊपर है, जो सभी धर्म को समान भाव से समझता है, जो ईश्वर अल्लाह में फर्क नहीं समझता है, और जिसके अंदर में अच्छाई है, जिसकी आत्मा पवित्र है, मन साफ है, वैसे लोगों को सच्चा संत माना है, अर्थात सच्चे ज्ञानी माना है। पांचवा प्रश्न है, भैया बहन थोड़ा सा यहां पर ध्यान देंगे कि अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। अंतिम दो दोहा कहते हैं कबीर दास, मतलब एक छठा और सातवां। छठा दोहा है, कावा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चुन मैदा भया बैठी कबीरा जीम। तो इसमें इंसान के अंदर जो सांप्रदायिकता का रंग है, जो कट्टरता है, जो सिर्फ अपने ही धर्म को अच्छा समझता है और दूसरे के धर्म की निंदा करता है, हमेशा उसका विरोध करता है, तो ये सब मानसिक संकीर्णताएं हैं, इससे हमें बचना चाहिए। और सातवां दोहा है, ऊंचे कुल का जनमिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सूरा भरा साधु निंदा सोई। इसमें उन्होंने बतलाया है कि व्यक्ति सिर्फ ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद महान पद प्राप्त नहीं करता है, बल्कि महान पद प्राप्त करने के लिए उसे अच्छा कर्म करना पड़ता है, वह निम्न कुल में भी जन्म लेकर महान हो सकता है।
वंदनीय हो सकता है, पूजनीय हो सकता है और ऊंच कुल में ही जन्म लिया लेकिन कर्म अच्छा नहीं है तो वह व्यक्ति निंदनीय है। मतलब सिर्फ हम जन्म के आधार पर महान नहीं बन सकते हैं, हमें महानता को प्राप्त करने के लिए कर्म को श्रेष्ठ मानना होगा और अच्छे कर्म करने होंगे। छठा प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से, तर्क सहित उत्तर दें। तो मैंने पहले भी बतलाया था कि कोई भी व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेकर महान नहीं बनता है, वह महान बनता है अच्छे कर्म करके, परोपकार की भावना से, कल्याण की भावना से। तो और हमने आपको उदाहरण भी दिया था कि वाल्मीकि जी थे जो पहले रत्नाकर डाकू के नाम से जाने जाते थे, जब तक उनका कर्म नीच था वे निंदनीय थे, चांडाल जाति से आते थे, लेकिन जब उन्होंने अच्छा कर्म किया तो आज जानते हैं कि वाल्मीकि का कितना आदर है, कितना सम्मान है और कितना बड़ा गौरव प्राप्त किया उन्होंने। उन्हें संस्कृत साहित्य का आदि कवि कहा जाता है और उन्होंने रामायण की रचना की। फिर आपके सामने उदाहरण है जिसका दोहा पढ़ रहे हैं, साखियां शब्द पढ़ रहे हैं कबीरदास जी का, ये भी सामान्य कुल में जन्म लिए थे, सामान्य कुल में पालन पोषण हुआ था लेकिन कर्म अच्छा था, तो आज कबीर पंथ के जो लोग हैं इन्हें भगवान की तरह मानते हैं, ईश्वर की तरह मानते हैं। रैदास के बारे में हमने चर्चा की थी कि वे महादलित वर्ग से आते थे, अनुसूचित जाति के थे, लेकिन कर्म इतना अच्छा था, भक्ति इतनी उच्च कोटि की थी कि मीराबाई ने उन्हें अपना गुरु बनाया था और आदर सम्मान दिया था। आपने देखा होगा महात्मा गांधी को, पढ़ा होगा उन्हें, वो भी वैश्य परिवार से आते थे लेकिन जो देश के लिए कल्याण का कार्य किया, आज पूरी दुनिया में वे अच्छे नागरिक, प्रथम नागरिक के रूप में माने जाते हैं। फिर हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी, ये भी वैश्य वर्ग से आते हैं लेकिन कर्म इतना अच्छा है कि आज पूरे दुनिया में इनका डंका बजता है। तो कर्म प्रधान होता है, जाति प्रधान नहीं होती है। सातवां प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें और पंक्ति है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे छक मारी। यहाँ पर भैया बहन थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको, इसको दो पार्ट में करके ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। काव्य सौंदर्य का सूत्र होता है, आप यहाँ गौर से देखिए, भाव सौंदर्य प्लस शिल्प सौंदर्य इज इक्वल टू काव्य सौंदर्य, ये इसका सूत्र है, फॉर्मूला है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जब ऐसे प्रश्नों का उत्तर देंगे तो बजाते आपको पॉइंट बनाना होगा, भाव सौंदर्य लिखना होगा और उसके बाद उसका जो आशय है, भावार्थ है, वो लिखेंगे। जैसे प्रस्तुत पंक्ति में कबीर दास ने सहज समाधि के बल पर प्राप्त आत्मज्ञान को महत्व दिया है, यह ज्ञान अनुभव के बल पर प्राप्त होता है और आध्यात्मिक ज्ञान कहलाता है, ये इसका भाव सौंदर्य हुआ। फिर जब आप शिल्प सौंदर्य बनाएंगे तो यहां भी आपको इस तरह पॉइंट देने होंगे और यहां आप चाहे तो एक दो तीन करके भी लिख सकते हैं और सीधे ऐसे स्टार बना करके भी पॉइंट बिंदुशः दे सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट देखेंगे, पहला बिंदु देखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, कहीं दोहा होगा, कहीं चौपाई होगा, कहीं मुक्त छंद है, तो उसका जिक्र आपको करना होगा। इसमें सरल सहज बोधगम्य भाषा का प्रयोग हुआ है, दूसरा पॉइंट बनाएंगे। फिर तीसरा पॉइंट बनाएंगे, ज्ञान रूपी हाथी, समाधि रूपी दुलीचा और स्वान रूपी संसार में रूपक अलंकार है, मतलब जहां जो अलंकार का प्रयोग किया गया है उसको आपको इंगित करना पड़ेगा, सांकेतिक रूप से बतलाना पड़ेगा।
अगला पॉइंट है झक मारना मुहावरा का सफल चित्रण हुआ है। मतलब कहां मुहावरा है, लोकोक्ति है, इसका वर्णन आपको करना होगा, दर्शाना होगा। और अंतिम पॉइंट हमने बनाया है हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार जैसे लोकोक्ति का कुशल और मनोरम वर्णन हुआ है। उसके बाद आठवां प्रश्न है मनुष्य ईश्वर को कहां कहां ढूंढता फिरता है। तो आप जानते हैं मनुष्य ईश्वर को मंदिर में ढूंढता है, मस्जिद में ढूंढता है, मक्का मदीना जाता है, कैलाश मानसरोवर जाता है, तीर्थाटन वगैरह करने के लिए जाता है, और कवि का मानना है, कबीर दास जी का मानना है, इन सभी क्रियाकलापों से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नौवां प्रश्न है कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। तो हम लोग जो मानते हैं कि ईश्वर का निवास मंदिर में है, मस्जिद में है, धार्मिक अनुष्ठान से ईश्वर प्राप्त होते हैं, या फिर व्रत त्योहार उपवास करने से ईश्वर प्राप्त होते हैं, कर्म कांड जैसे आडंबर से ईश्वर प्राप्त होते हैं, या फिर गृहस्थ जीवन को त्याग करके संन्यास धारण कर ले और घर छोड़कर निकल जाए, इससे ईश्वर प्राप्त होंगे, इस सब का कबीरदास जी ने खंडन किया है। और उन्होंने बतलाया है कि हमारे मन में सच्ची भक्ति है, हमारा मन साफ है, तो क्षण भर में ईश्वर हमें मिल सकते हैं, उनकी कृपा हम पर बरस सकती है, इतना आडंबर करने की जरूरत नहीं है, ये कबीरदास जी की सोच है। और अंतिम प्रश्न है कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। तो आप जानते हैं ईश्वर इस ब्रह्मांड का रचयिता है, जो भी चीज आप देखते हैं जीव जंतु पशु पक्षी सब उसी ईश्वर की रचना है, और वह चप्पे चप्पे में उपस्थित है, कण कण में उपस्थित है, जहां भी पेड़ों की हरियाली है, जहां भी फूलों में खुशबू है, पक्षियों में कलरव है, ये सब ईश्वरीय मौजूदगी दर्शाता है। तो ईश्वर हर जगह है। आप सुने होंगे कि कहा जाता है अगर यकीन हो तो पहाड़ को भी हिलाया जा सकता है, और आप ये भी जानते होंगे कि प्रहलाद को यकीन था कि उसका ईश्वर जिस खंभे में उसको बांधा गया है जंजीर से हिरण्यकश्यपु के द्वारा, उस खंभे में भी ईश्वर का वास है, और इतना यकीन था कि भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में उस खंभे को फाड़ कर प्रकट होना पड़ा, भक्त की मर्यादा लाज रखनी पड़ी, और अत्याचारी हिरण्यकश्यपु का वध हुआ। तो ईश्वर हर जगह है, वो परमात्मा हमारी आत्मा में समाया हुआ है, हम पहले अपने आत्मा को पहचाने, बाद में परमात्मा को पहचानने की और ढूंढने की जरूरत है। तो भैया बहन बहुत बहुत धन्यवाद, हम फिर अगले पाठ को लेकर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।